राइट नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 थाउजेंड नीट के एग्जाम का सवाल है वेक्टर्स का सवाल है इट सेज इफ से ए इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाय टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाय टू जे कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर तो पहले दोनों वैक्टर लिख लेते हैं अपने को दिया हुआ है ए वैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू Alright, uh, that is equal to cos omega t i cap plus sin omega t j cap. dusra vector b vector diya hua hai cos of omega t by 2 i cap plus sin of omega t by 2 j cap. और हमें बताना है, वो time की value जिसके लिए दोनों vector orthogonal हों, यानी कि दोनों के बीच का angle 90 degree हो. Now, we know जब भी दो vector orthogonal होएंगे या 90 डिग्री का एंगल होएगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होएगा यानी कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो और अपने को ये भी पता है कि जब भी हम दो आ, वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई आई और जे जे ये वैल्यूज़ आती हैं आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई सॉरी आई डॉट जे और जे डॉट आई ज़ीरो हो जाता है बिकॉज उन दोनों के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री होएगा सो ए डॉट बी अपना लेफ्ट हैंड साइड बनेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय टू प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी बाय टू विल बी इक्वल टू जीरो सो दिस विल बी द कंडीशन अपने ऑर्थोग तो के लिए नाउ uh, अपने को ये पता है कि कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी तो इसको हम लिख सकते हैं अपने को एक प्रॉपर्टी है जो मैथामेटिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सो विच से माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी तो लेफ्ट हैंड साइड की अपनी जो कंडीशन है वो बन जाएगी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय टू इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय टू इक्वल टू ज़ीरो कॉस कभी भी जीरो होगा इसका सिंपल सा मतलब है कि इस एंगल की वैल्यू आपकी नाइन्टी डिग्री है विच uh, एम्प्लाइज ओमेगा टी बाय टू इज इक्वल टू पाए बाय टू अट विच एम्प्लाईज टी इज इक्वल टू पाए बाय ओमेगा सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम